मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ा एक शातिर ठग, एटीएम मशीन से छेड़छाड़ करके करता था ठगी। एटीएम मशीन में प्लास्टिक की पट्टी लगाकर ठगी करता था। मशीन में पैसे निकालने वाली जगह पर वो प्लास्टिक की पट्टी और चिप चिपका देता था। कैश ड्राइवर से पैसे बाहर नहीं निकलते थे। जब हम एटीएम से पैसे निकालते हैं तो जहां से कैश बाहर आता है वहां पर वो प्लास्टिक की पट्टी लगा देता था, जिससे कैश बाहर आता ही नहीं था। और पैसा जब बाहर नहीं निकलता था, फंस जाता था, तो वो जाता था और वो पैसे बाद में निकाल लेता था। तो कैसे करता था ये शख्स ठगी, आइए आपको तफसील से बताते हैं। ठगी का ये शातिराना तरीका आप देखिए। एटीएम मशीन में प्लास्टिक की पट्टी और चिप लगा देता था ये शख्स। चिप बेहद सफाई से चिपकाता था ताकि दिखे नहीं, और जो पैसे आने की जगह, जिस ट्रे से पैसे आते हैं, वहां पर ये प्लास्टिक लगा देता था। उसके बाद क्या करता था, उसके बाद जब ट्रांजैक्शन पूरा होने के बावजूद पैसे बाहर नहीं निकलते थे तो लोग परेशान हो जाते थे, लोग सोचते थे क्या हो रहा है। और फिर जब वो जाते थे कहीं शिकायत करने, वहां से निकल जाते थे, तो एटीएम यूजर के जाने के बाद वो पट्टी निकाल देता था। पट्टी हटाने के बाद एटीएम में रुके हुए पैसे बाहर आ जाते और इससे वो फिर वो शख्स पैसे निकाल लेता था। अब इससे कैसे बच सकते हैं, इसका तरीका भी आपको बताते हैं। एटीएम फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, कम निगरानी वाले एटीएम बूथों का इस्तेमाल अगर बहुत जरूरी ना हो तो करने से बचे। जहां पर सिक्योरिटी गार्ड हो वहीं पर जाएं। ट्रांजैक्शन के बाद भी पैसा नहीं निकलने पर गार्ड से संपर्क करिए। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या फोन नंबर पर वहीं से कॉल कीजिए। कार्ड फंसने पर उसे अस्थायी रूप से आप ब्लॉक भी करवा सकते हैं। फोन पर ओटीपी, कार्ड नंबर या सीवीवी की जानकारी देने से भी आपको बचना चाहिए।